तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगी फ्यूचर में, क्योंकि आने वाला टाइम BS6 गाड़ियों का है और आज की वीडियो BS6 गाड़ी के ऊपर ही है। तो चलिए बनते हैं वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, हम आज BS6 स्कूटी जो है जुपिटर की TVS वालों की, उसका जो रेस का प्रॉब्लम होता है, कितनी में बढ़ जाती है, कितनी में स्लो हो जाती है, RPM सेटिंग क्या लें, जो अपनी इंजीनियरिंग लाइन में है RPM सेटिंग करते हैं, मैकेनिक लाइन में रेस करते हैं, उसकी सेटिंग आज हम करके दिखाने वाले हैं। जो BS6 गाड़ियाँ हैं एक्टिवा पे भी वर्क करती है, लेकिन उसका नट थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन आज हमारे पास जुपिटर है तो हम आपको जुपिटर के बारे में दिखाने वाले हैं। तो आइए दिखाते हैं दोस्तों, ये अपना पंप जो कार्बोरेटर की जगह लगा होता है, और RPM की सेटिंग कहाँ से होगी वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए वीडियो को देखते रहें, हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले ये फिल्टर वाली पाइप निकालेंगे, ये देखिए जैसे मैंने खोल रखी है, पूरा कार्बोरेटर पूरा फिल्टर खोलने की जरूरत नहीं है, अगर खोलना ही है आपको, क्लीन करना है तो खोल के भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने इसको खोला है तो इधर आ जाइए, ये दिखाते हैं आपको, ये वाला जो नट है ना, आपको ये दिख रहा है, ये 7 नंबर का, ये है अपना RPM वाला नट, जिसे हम RPM सेट करेंगे, रेस की सेटिंग करेंगे, स्लो रेस करना हो, इस रेस बढ़ानी हो, उस सारी सेटिंग यहाँ से होगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें 7 नंबर का पाना या TOT लगेगी, जो कि अपने पास ये रहा है, देखें पहले इसको इससे लूज कर लेंगे, ये देखिए ये नट लूज़ हो गया। लूज़ करने के बाद अपनी 2 नंबर की एलकी, कोई एलकी कहता है, कोई एलेंकी कहता है, जो ये है उसको यहाँ पर लगाएंगे, और इसकी सेटिंग करने से पहले स्कूटरी को स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि स्टार्ट स्कूटरी पर ही RPM की सेटिंग होती है, रेस की सेटिंग होती है, बंद स्कूटरी में सेटिंग तो करना इम्पॉसिबल ही है भाई, इसलिए पहले स्कूटरी स्टार्ट करते हैं। ये देखो गाइस, इस स्कूटरी की आवाज़ कितनी ज़्यादा है, ये देखिए गाइस, यहाँ से इसको घुमाने पर देखो स्लो होती है, घुमाने पर ये देखिएगा। तो इसीलिए हमें से पहले यहाँ पर हो गई है सेट। उम्मीद करता हूँ भाइयों इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिली होगी, और ऐसी ही मज़ेदार और BS6 गाड़ियों के बारे में जानकारी देने के लिए या अलग अलग काम को आसान तरीके से करने के लिए अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।